आज के इस वीडियो में पूरा चर्चा करेंगे हॉस्टल वार्डन को लेकर। हॉस्टल वार्डन का जो एग्ज़ाम होना है 15 सितंबर को होना है और आपके पास बहुत ही कम समय है, आपके पास है 40 दिन। 40 दिन के आसपास बचा हुआ है और इन दिनों में हम इतने कम समय में कैसे तैयारी करेंगे, इस वीडियो पर पूरा चर्चा करेंगे। और सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊँगा जो हॉस्टल वार्डन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या बेनिफिट हो सकता है इस कम समय में। तो मैं एक क्रैश कोर्स लेकर आ रहा हूँ 30 दिनों का, 30 वीडियो लेकर आऊँगा हॉस्टल वार्डन में, जिसमें कंप्यूटर के 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ्स का आपका 25 नंबर है, बाल मनोविज्ञान के 10 नंबर। तो इन्हीं टॉपिक को कवर करेंगे, बाकी आप लोग अपने हिसाब से यूट्यूब पर तो बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे आपको, यूट्यूब पर बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे, फ्री में मिलेंगे। आप हिंदी का, इंग्लिश का, जितने भी टॉपिक है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाना चाहूँगा, जिनको भी तैयारी करना है इन कम समय में। तो आप देखिए, सबसे पहले आपको फोकस रहना चाहिए टेस्ट पे, जितना आप टेस्ट सीरीज लगाओगे यूट्यूब पर बिल्कुल जितने भी कंटेंट आपका बिल्कुल फ्री में उपलब्ध हो जाएगा। और आज से हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री कंटेंट यूट्यूब पर मेरी क्लासेस में मिलेगी, या फिर और भी बहुत सारे यूट्यूब हैं उनमें आप जाके देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल से तैयारी करें, आप कोई भी चैनल से तैयारी कर सकते हैं। और सबसे पहले इस बात को याद रखें कि जब भी मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पर नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब नहीं करना है आपको, देखिए अगर आप लोग सब्सक्राइब कर ही चुके हैं तो आप लाइक भी कर दीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन, ठीक मैं कहना चाहता हूँ, मुझे मेरे से लाभ नहीं है, आप अपने लिए सब्सक्राइब करके रखें इस चैनल को। मैं इसलिए ये अपडेट लेकर आया हूँ वीडियो, ताकि आपको ये आपको मालूम हो सके कि इतने कम समय में कैसे तैयारी करें हॉस्टल वार्डन का। तो मैं ब्रह्मास्त्र क्लास लेकर आ रहा हूँ, जिसमें 1 घंटे का महाएपिसोड रहेगा, डेली क्लास रहेगा, कंप्यूटर के 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी हैं, जितने भी सिलेबस जैसे मल्टीमीडिया है, सर्च इंजन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, गूगल के जितने भी मतलब कंप्यूटर के जितने भी टॉपिक से प्रश्न बनते हैं पूरा का पूरा कवर कराऊंगा, यूट्यूब पर अपलोड करूंगा बिल्कुल फ्री, यूट्यूब पर अपलोड करूंगा बिल्कुल फ्री में, कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, निःशुल्क रहेगा, यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा। 30 दिन का बैच है मेरा, ब्रह्मास्त्र क्लास लेकर आ रहा हूँ हॉस्टल वाड़ाने के लिए, 15 सितंबर को एग्ज़ाम है, तो आपके पास बहुत ही कम समय है, तो आप लोग तैयारी कैसे करना है इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो तैयारी करने के लिए आपको एक मोटिवेशन की आवश्यकता होगी, जिसमें जितने भी अभी पढ़ चुके हैं उसको पढ़ना लिखना बंद कर दीजिएगा, सिर्फ रिवाइज करना स्टार्ट कीजिएगा। मेरे कहने का मतलब है कि जितना हो सके आप रिवाइज कीजिएगा, रिविजन कीजिएगा, प्रैक्टिस सेट कीजिएगा। और हाँ, और जो आपको डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, पूरा बिंदास पूछ सकते हैं, जो भी डाउट है आपके मन में जो भी है आप इस वीडियो पर पूछ सकते हैं, जो भी प्रश्न है आपके हम सारे के सारे जवाब हम आपको देंगे, ठीक है। और रही बात मैथ्स का, तो मैथ्स का 2014 का, 2016 का हॉस्टल वार्डन के जितने भी क्वेश्चन है उसका प्रीवियस वर्ष का क्वेश्चन पेपर लेकर सॉल्यूशन लेकर आऊँगा और बहुत ही कम समय में सटीक जानकारी दूंगा। जिनको भी तैयारी करना है तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, इससे मेरे लिए फ़ायदा नहीं होगा। जब भी आप वीडियो को लाइक करोगे, जितना ज़्यादा वीडियो को लाइक करोगे उतना ज़्यादा इस वीडियो आगे जाएगा, यूट्यूब का एल्गोरिथम इस वीडियो को आगे बढ़ाएगा। मेरा फ़ायदा यहाँ पर नहीं है, मेरा फ़ायदा यहाँ पर नहीं मिलने वाला है, फ़ायदा आपको मिलेगा जितना आप लाइक करोगे या शेयर करोगे, बार बार आपको मोटिवेशन, बार बार आपको यूट्यूब से एल्गोरिथम से आपको यूट्यूब आपके सामने इस वीडियो को लेकर आएगा आपको, है ना। तो मैं इसीलिए कहूँगा कि एक बार अपने लिए नहीं सही तो मेरे लिए कम से कम वीडियो को शेयर जरूर कर देना एक बार, ठीक है। अब छात्र और शिक्षक के बारे में बात करें तो सिलेबस में आपको बता ही चुका हूँ, कैसे आपको मॉक टेस्ट देना ये भी बता चुका हूँ, फ्री में तो कंटेंट अपलोड कर ही रहा हूँ यूट्यूब पर। और सबसे पहले बताऊँ कि हमारे चैनल पर शॉर्ट्स वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें पूरा कंप्यूटर के जितने भी टॉपिक व्यापक में 10 वर्षों से पिछले वर्षों से बार बार पूछे जा रहे हैं, वही क्वेश्चन लेकर आऊँगा और वही शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड करूँगा। और मेरे चैनल मैथ्स एजुकेशन के नाम से है, इस वीडियो में आप जाके सर्च करेंगे और साथ ही बगल में आप देख पा रहे होंगे इससे मेरा नंबर भी दिया होगा, व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर भी दिया होगा, वहाँ पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं अगर तैयारी करना चाहते हैं तब की बात है, या फिर बहुत सारे यूट्यूब पर कंटेंट आप जाके वहाँ पर भी देख सकते हैं, बहुत सारे क्लासेस हैं यूट्यूब है ना, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं वहाँ जाके आप तैयारी कर सकते हैं, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन यूट्यूब पर जितना हम प्रयास करेंगे उतना पूरा आप सभी के लिए बेनिफिट हो सकता है। तो मैं यही आशा करूँगा कि ये वीडियो में आप कुछ जो भी आपका डाउट है
आप कमेंट है, आप पूछ सकते हैं, अभी जो जिसकी तैयारी है कहाँ आपको कौन सी चीज़ पर कमी लग रही है, कौन सा सब्जेक्ट आप में कमी है, सामान्य ज्ञान में है, मैथ्स में है, बाल मनोविज्ञान है, कंप्यूटर है, हम पूरा जितना हो सके मेरे तरफ से जितना हो सके हम प्रयास करेंगे। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं भी व्यापम पीएससी की तैयारी कर रहा था और अभी भी कर रहा हूँ, और आप सभी के लिए मैं गाइडलाइंस भी देना चाहता हूँ कि जितना हो सके आप प्रैक्टिस सेट देना स्टार्ट कीजिएगा। प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना रिवाइज करेंगे, उतना आप सभी के लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, मेरी बातें आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। तो ये वीडियो आप सभी के लिए मोटिवेशन के तौर पर भी हो सकता है और आप तैयारी भी कर सकते हैं, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। चलिए हम बात करते हैं छात्र शिक्षक है जिसमें 15 सितंबर को एग्जाम होनी है और ब्रह्मास्त्र क्लास हम लेकर आ रहे हैं जिसमें टॉपिक है कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर का हर दिन टाइमिंग मैं आपको बता दे रहा हूँ, टाइमिंग आपको उस बार यानी कि टाइमिंग का शाम 4 बजे आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। कितने टाइम? शाम 4 बजे। चाहे आप वीडियो को एक बार देखो, दो बार देखो, तीन बार देखो, जितनी बार मर्जी है आप देख सकते हो वीडियो को। ठीक, और कल से आपका मैथ्स क्लास स्टार्ट होगी जिसमें 2014 का 2016 का क्वेश्चन पेपर रहेगा, प्रश्न पत्र, उसको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर तैयारी करने के लिए, मॉक टेस्ट देने के लिए, मौखिक टेस्ट देने के लिए। जितना हो सके जितना मैं वीडियो अपलोड करूंगा उतना आप एक बार रिविजन कर लीजिएगा। छात्र और शिक्षक के अंतिम समय है, क्योंकि देखिए यही उम्र है हम लोगों को सक्सेस पाने का। जैसे एक उम्र रहती है पढ़ने का, जैसे 27 साल 28 साल, जितना हो सके पढ़ लीजिए। इसके बाद देखिए अगर यही चांस है, इसका बहुत वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, कब आएगी इसका पता नहीं है, लेकिन जिस चीज़ में अभी तैयारी कर रहे हो, जिस चीज़ का फोकस कर रहे हो, उसको आप अच्छे से बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। अपना काम है सफलता, अपना काम है मेहनत। मेहनत मानती है जीवन में, कठिन परिश्रम करोगे तभी तो आगे बढ़ पाओगे। मेहनत ही है जो आपको आगे सक्सेस कंटेंट दिलाएगा, मेहनत ही है आपको आगे बढ़ाएगा, नीचे से ऊपर लेवल जाएगा। अरे भाई अभी एग्जाम में क्लियर नहीं करोगे, अब मान लो जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, एक अब ये वैकेंसी अगर अपने हाथ से चले जाएगा तो कई लोग डिप्रेशन आ जाते हैं, कई लोग ये हो जाते हैं, कई लोग प्राइवेट नौकरी कर लेते हैं, कई और कुछ काम कर लेते हैं। यही आपका अंतिम समय है, अंतिम 40 दिन। अपना इस 40 दिन में अपने आप को झोंक दो, ऐसे तैयारी करो कि लेवल आपका बढ़ जाए। ठीक, अगर मेरी बातें अगर आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे, और जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे उतना ज़्यादा वीडियो का यूट्यूब एल्गोरिथम आपको सामने वाले को भेजेगा। ठीक है, तो मेरी अगर कंटेंट अगर आपको पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सर इस वीडियो बेहतर है।